की बच जाती है तो हमारा भुट्टा बिल्कुल उबल कर अच्छी तरीके से रेडी हो जाता है। देखिए अब देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से मेरा बॉयल्ड हो गया है। और ये अब देखिए मसाले में हमारा क्या क्या है, इसमें काली मिर्च है, पीसी मिर्च है, और ये चाट मसाला है, और काला नमक है। आपकी इच्छा है तो आप रेगुलर वाला भी नमक डाल सकते हैं यदि काला नमक नहीं है। अब हम कैसे इसको, सबसे पहले तो हम सारे मसाले को एक कर लूँगी। ये देखिए सबको एक में मिलाकर रेडी कर लेती हूँ मसाला, जिससे कि मिलाने में हमको सारे मसालों का एक जैसा स्वाद इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए सब मिल गया, बहुत अच्छी तरीके से ये स्वीट कॉर्न बनता है। देखिए पहले हम एक बार ये भुट्टे को, पहले नींबू है, नींबू को दबाकर अच्छी तरीके से पहले हम इसमें लगा देते हैं। उसके बाद दोबारा हम इसमें मसाले को, देखिए मैंने डुबो लिया है। अब इसके बाद हम इसकी अच्छी तरीके से इसमें पूरी, जैसे हम लेयर लेते हैं वैसे दबाते हुए नींबू को, जिससे पूरे भुट्टे में हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये फिर खाने का आनंद ही अलग आता है, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, बहुत अच्छी तरीके से। देखिए अगर आपको नींबू कम पसंद है तो आप कम डालिए, हल्का ही लगाइए, पर नमक, इसके जो मिर्च मसाले हैं, इसका ही ज़्यादा टेस्ट आता है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने भुट्टे में पूरी अच्छी तरीके से दबाते हुए नींबू और मसाले के साथ में इसको कलकल कर लेते हैं। आपको रेड चिली फ्लेक्स खाना है तो आप रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने पिसी डाली है कि बच्चों को देखने में, खाने में दिक्कत ना हो। ये देखिए सारे मसाले हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से सब भुट्टों में लग चुका है। ये देखिए अब हमारा स्वीट कॉर्न, जिसको हम कहते हैं, कभी भी मॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो हम लोग पहले भुट्टा, या किसी मेले में जाते हैं तो भुट्टा खाने का बड़ा ही सबको चाव होता है। तो मैंने इसको बॉयल कर दिया है, भूजने की अपेक्षा ये बॉयल वाला अगर मसाले मिलाकर इसको तैयार करती हैं तो आपको ये भुट्टा बराबर खाने में बहुत ही आनंद। नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए आज हम भुट्टा छल्ली कैसे बनता है, जिसको बॉयल कॉर्न बोलते हैं। तो इसको हम बॉयल करने के लिए, ये देखिए मैंने दो भुट्टे लिए हैं, बिल्कुल अभी ताज़ा लेके आए हैं। अब इसको हम ऐसे छील लेंगे और इसके कोई भी बिल्कुल रेशा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए पूरा इस तरह से मैं जब छील लेती हूँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। लोग कोयले पे, लकड़ी पे भूज लेते हैं, उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बहुत ही अंतर है। इसको हम तोड़ लेंगे और दो हिस्से में करेंगे, जैसे कि हमको कुकर में उबालना है तो कैसे उबालते हैं इसको हम आपको दिखाते हैं। और क्या क्या पड़ता है देखिए, ये काला नमक है, चाट मसाला है, काली मिर्च पाउडर है, और एक नींबू मैंने रखा है। इसको जब मैं मिलाऊंगी, और इसके साथ में आप रेड चिली फ्लेक्स डालिए या पिसी मिर्च डालिए, तो मैं इसको स्वाद रहित इसको बनाऊंगी, तो आपको दिखाती हूँ। पहले मैं बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद देखिए इसको भी मैं छील ले रही हूँ, सब रेशे को अच्छी तरीके से निकालेंगे। ये देखिए जितना इसका रेशा है इसको सब निकाल दीजिए, बिल्कुल भी हटा दीजिए साफ करके। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से कोई रेशा नहीं रह गया। इसको भी मैं दो पीस में तोड़ देती हूँ। ये हमको उबालने के लिए, अब मैं इसमें पहले थोड़ा सा पानी डालूंगी। हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो पहले स्वीट कॉर्न बॉयल खाते हैं, तो आज उसी का टेस्ट हम आपको दिलाने के लिए इजी वे में बनाती हूँ। और इतना पानी डालूंगी कि मेरा भुट्टा पूरी अच्छी तरीके से डूब जाए। और इसमें थोड़ा सा ये हमारा सादा नमक डालेंगे, जिससे कि इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल हो जाए। ये देखिए अब मैं इसको इसमें रख रही हूँ। ये देखिए इसको मैं, ये तो नमक हमारा मिल जाएगा चम्मच के साथ में। ये
इसको भी मैं रख रही हूँ। देखिए पानी में डूब जाना चाहिए, अच्छी तरीके से डूब रहा है। और इसको भी आगे से काट दीजिए थोड़ा सा, जो बेला हो जाए, दाने नहीं रहते हैं। ये देखिए इसको भी देखिए मैंने काट दिया है, इसमें दाने नहीं हैं। ये अब ये हमारा बॉयल हो करने के लिए मैं गैस पे रखूँगी, एक से दो सीटी मैं बजाऊँगी। ये देखिए और फुल आँच करके हमें ऑन करते हैं। ये देखिए अब मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ, जब उबल जाए तो मैं निकालते हुए आपको दिखाऊंगी। हाँ देखिए ये हमारी प्रेशर निकल गया है, एक से दो सीटी मैंने बना कर। ये देखिए मेरा भुट्टा बिल्कुल रेडी हो चला है। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, भुट्टा बॉयल्ड हो गया है। गरम है, थोड़ा सा संभाल के निकालना होता है, इसलिए इसमें देखिए मैंने चिमटे से निकाल रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से कुकर में सीटी बज जाती है तो हमारा भुट्टा बिल्कुल उबल कर अच्छी तरीके से रेडी हो जाता है। देखिए अब देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से मेरा बॉयल्ड हो गया है। और ये अब देखिए मसाले में हमारा क्या क्या है, इसमें काली मिर्च है, पीसी मिर्च है, और ये चाट मसाला है, और काला नमक है। आपकी इच्छा है तो आप रेगुलर वाला भी नमक डाल सकते हैं यदि काला नमक नहीं है। अब हम कैसे इसको सबसे पहले तो हम सारे मसाले को एक कर लूँगी। ये देखिए सबको एक में मिलाकर रेडी कर लेते हैं मसाला, जिससे कि मिलाने में हमको सारे मसालों का एक जैसा स्वाद इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए सब मिल गया, बहुत अच्छी तरीके से ये स्वीट कॉर्न बनता है। देखिए पहले हम एक बार ये भुट्टे को, पहले नींबू है, नींबू को दबाकर अच्छी तरीके से पहले हम इसमें लगा देते हैं। उसके बाद दोबारा हम इसमें मसाले को देखिए मैंने डुबो लिया है। अब इसके बाद हम इसकी अच्छी तरीके से इसमें पूरी जैसे हम लेयर लेते हैं वैसे दबाते हुए नींबू को, जिससे पूरे भुट्टे में हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये फिर खाने का आनंद ही अलग आता है, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, बहुत अच्छी तरीके से। देखिए अगर आपको नींबू कम पसंद है तो आप कम डालिए, हल्का ही लगाइए, पर नमक इसके जो मिर्च मसाले हैं इसका ही ज़्यादा टेस्ट आता है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने भुट्टे में पूरी अच्छी तरीके से दबाते हुए नींबू और मसाले के साथ में इसको कलकल कर लेते हैं। आपको रेड चिली फ्लेक्स खाना है तो आप रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल सकते हैं, मैंने पिसी डाली है कि बच्चों को देखने में खाने में दिक्कत ना हो। ये देखिए सारे मसाले हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से सब भुट्टों में लग चुका है। ये देखिए अब हमारा स्वीट कॉर्न, जिसको हम कहते हैं, कभी भी मॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो हम लोग पहले भुट्टा, या किसी मेले में जाते हैं तो भुट्टा खाने का बड़ा ही सबको चाव होता है। तो मैंने इसको बॉयल कर दिया है, भूजने की अपेक्षा ये बॉयल वाला अगर मसाले मिलाकर इसको तैयार करती हैं तो आपको ये भुट्टा बराबर खाने में बहुत ही आनंद आएगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आने वाला वीडियो इसी तरह जल्दी जल्दी आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू।